तुम मेरे इस फैसले को अप्रिशिएट करोगी। आज के हालात कुछ नहीं होते बेटी, मुस्तकबिल ही सब कुछ होता है। जिसका हमें कुछ इल्म नहीं। तजुर्बा वो इल्म दे देता है जिससे हम मुस्तकबिल का अंदाजा लगा सकते हैं। आपने जो फैसला किया है वो ठीक है। कब करना है निकाह? कल। मैं चाहता हूँ बेटी के जो कुछ भी शॉपिंग तुम करना चाहो अपनी पसंद से वो कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे पास। फिर भी मैं तुम्हारी आंटी से कह दूंगा, चली जाना उनके साथ, जो चीज चाहे ले लेना। और मजीद किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते। मजाक कर रही हूँ नसिस? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। भाई बड़ी बहन होने के नाते मेरा भी हक बनता है कि अपनी प्यारी सी बहन की शादी पर प्यारा सा गिफ्ट दूँ। तो प्यारा सा गिफ्ट दो ना, कार लेके देने की क्या जरूरत है? अरे पगली, तुम्हें कार का गिफ्ट देकर मुझे कितनी खुशी होगी इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। सिस, मेरे लिए उस कार से ज्यादा कीमती वो प्यार है जो तुम मुझसे करती हो। जब तुम अपने घर चली जाओगी तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन सिस, मैं इस घर से कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। बेटियां तो पराया धन होती हैं। माँ बाप का घर छोड़कर उन्हें एक न एक दिन जाना पड़ता है। लेकिन सिस, आप तो कहीं नहीं गई थी। वो इसलिए कि तुम छोटी थी, पैर बीमार रहते थे। मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी थी जो हमारे घर रह सके, और फिर तुमने मेरी शादी का अंजाम तो देख लिया। मैं जानती हूँ सिर्फ कि आपने अपनी एक मुस्कुराहट के पीछे कितने दुखों को छुपा रखा है। मुस्कुराती रहती हूँ तो जिंदा हूँ, वरना तुमसे तो कुछ नहीं छुपा। ये क्या सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंसू? ये आंसू मेरे अपने दुखों के नहीं बल्कि तुम्हारी जुदाई के हैं। हाँ, एक बात मेरी याद रखना। वो क्या? फरहान को कभी मुलाजिम होने का एहसास ना दिलाऊंगी। ओह, वो तुम फिक्र ही ना करो, वो बहुत अच्छा इंसान है एंड आई होप एक अच्छा शौहर भी साबित होगा। और तुम्हें तो पता है अच्छे शौहर मुलाजिमों की तरह ही होते। बेवकूफ, ये बात उससे ना कह देना। ले, उसके सामने बोल दूंगी फिर भी क्या फर्क पड़ेगा, वो तो एक ही लाइन बोलेगा, यस बॉस। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बहुत बुरी हो तो। मुश्ताक भाई, मैंने निकाह की रस्म का प्रोग्राम बना लिया है। इतनी जल्दी? हाँ, बस कल जो कुछ है हो जाना चाहिए, और जो कुछ भी करना है जल्दी ही होना चाहिए। बैल भाई, शादी में कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ती है ना। अरे तैयारी की ऐसी क्या बात है, जेब में पैसा होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। सोचे ना आप लोग, मैं लिस्ट बनाकर लाता हूँ, आपको देता हूँ। रियल लेमन जूस की ताकत दिखाने, बेहतरीन को और भी बेहतर बनाने, आ गया सफाई की तूफानी तेजी लिए नया लेमन मैक्स।
अच्छा वो तुम खुद ही आ गई, मुझे तलाश के लिए नहीं जाना पड़ा। ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आया कि तुम किसे बदनाम कर रहे हो? हर इंसान यहाँ अपनी डेस्टिनी की तलाश में आता है, जब वो मिल जाए तो फिर उसके रास्ते में खड़ा हर रिश्ता बेमानी हो जाता। ऐसे ख्याल तुम्हारे तब तो नहीं थे जब तुमने मुझसे शादी की थी। जिंदगी बदलती है तो ख्यालात भी बदल जाते हैं माय डियर। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी शक्ल से भी। चलो थोड़ी देर की बात, बोला अपनी बेटी को कि तुम हमेशा के लिए शक नहीं देखो। अगर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है तो जोया भी तुम्हारी बेटी नहीं है। एक बात गौर से सुनो, जोया के बाप तुम नहीं हो वहाब निजामानी। क्या कह रही हो तुम, होश में तो हो? मैं नहीं तो कौन है उसका बाप? वही जिसके साथ तुमने मेरा स्कैंडल बनाया। मैं आज ही प्रेस को बता दूंगी कि जोया तुम्हारी बेटी नहीं है। रुक जाओ, कोई तुम्हारी इस झूठी बात पर यकीन नहीं करेगा। माँ बोलेगी तो सब सच मानेंगे, क्योंकि माँ ही जानती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। शट अप, यू शट अप। मैंने तो तुम्हारा साथ निभाने की पूरी कोशिश की, पर तुम तो वाकई गंदे कीड़े से भी गिरे हुए निकले। जो चीज ना मिले ना, बस उसे नसीब समझ के भूल जाना चाहिए। ले दसो बाजी, क्या मेरा ही नसीब सबसे बुरा है? पुत्र, जिनके पास दिल होता है ना, वही तो दर्द लेके घूमते हैं। और ना बाजी ना, क्यों ना इस दर्द को किसी और का जख्म बना दिया जाए। मेरा पुत्र एक बारी क्या है, मैं अलिया को अगवा करा के ना, तो तुम दोनों को किसी और जगह ले जाके तुम्हारी शादी करा देता हूं।